अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। थोड़ी देर में कोर्ट से निकलेंगे अरविंद केजरीवाल। जो जानकारी मिल रही है 15 अप्रैल तक तिहाड़ में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। 15 दिनों की जुडिशियल कस्टडी कोर्ट ने दे दी है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में रहेंगे 15 अप्रैल तक। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामले में था, क्या मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामले में था, क्या मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामले में था, क्या मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामले में था, क्या मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी ने अरविंद केजरीवाल से सवाल किया था, उसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। वहीं एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आज देखने को मिला, कोर्ट में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम पहली बार आया सामने। कोर्ट में ईडी के वकील एएसजी राजू का दावा, केजरीवाल ने पूछताछ में लिया सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम, दोनों दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। विजय नायर सौरभ भारद्वाज आतिशी को रिपोर्ट करता था, ये कहा गया ईडी की तरफ से। केजरीवाल ने कहा नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था, आबकारी नीति के वक्त दोनों मंत्री नहीं थे, ये कहा गया। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामले में था, क्या मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामले में था, क्या मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो सौरभ आतिशी तक पहुंची है क्या इस पूरे मामले की आंच, ये बड़ा सवाल, इसलिए क्योंकि ईडी ने कोर्ट में बहुत कुछ बताया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि पहली बार सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम सामने आया है। ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने कोर्ट में खुलासा किया है। तो कोर्ट में पहली बार सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम सामने आया क्योंकि ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने कोर्ट में खुलासा किया है। केजरीवाल ने पूछताछ में कहा विजय नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था। विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। अब जब आबकारी नीति आई तब दोनों मंत्री नहीं थे और ईडी की तरफ से कहा गया है कि केजरीवाल ने खुद इन दोनों का नाम लिया। और केजरीवाल ने जेल के लिए 3 किताबें मांगी हैं। केजरीवाल ने रामायण, श्रीमद् भागवत गीता मांगी और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड किताब की भी डिमांड की। ये वो किताबें हैं जिनकी मांग रखी गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। जितेन शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितेन, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है अरविंद केजरीवाल को, साथ ही उन्होंने कुछ प्रशासन से, अदालत से कुछ चीजों की मांग भी की है। क्या क्या लिस्ट है, किताबें तो हमें नजर आ रही है, इसके अलावा भी कुछ और है? जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को 3 लोगों से मिलने की इजाजत मिली है, एक सुनीता केजरीवाल उनकी पत्नी, इसके अलावा आतिशी और साथ ही सौरभ भारद्वाज। लेकिन सबसे अहम बात यहां पर यह है रवि, जो एक जो जुडिशियल कस्टडी को लेकर जो ईडी की तरफ से जो प्ली लगाई गई थी अदालत में, उस प्ली के अंदर साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई अहम बातें इसके अंदर लिखी गई हैं। इसमें बताया गया कि अरविंद केजरीवाल ना सिर्फ इस पूरी शराब घोटाले के किंगपिन थे, बल्कि उनको ये पता था जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसका इस्तेमाल किया कहाँ किया जा रहा है और कैसे किया जाना है, ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल की तरफ से तय हुआ। यानी कि जो 100 करोड़ रुपये की किकबैक यानी रिश्वत अरविंद केजरीवाल और पार्टी को मिली, उसका जो इस्तेमाल 45 करोड़ रुपये का गोवा चुनाव में हुआ, उसके बारे में अरविंद केजरीवाल अच्छे से जानते थे। इस स्टेटमेंट के अंदर, यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो स्टेटमेंट दर्ज हुई, उसका भी जिक्र इस कागज के अंदर किया गया है, इस कॉपी के अंदर किया गया है जो आज अदालत के अंदर रखी गई, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि विजय नायर जो थे वो अरविंद केजरीवाल को नहीं बल्कि आतिशी को और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट किया करते थे। साथ ही इसमें जो एनडी गुप्ता है, जो आम आदमी पार्टी के बाकायदा राज्यसभा सांसद है, उनकी स्टेटमेंट का भी जिक्र किया गया है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि एनडी गुप्ता ने यह बात कबूल की थी कि जो गोवा इलेक्शन की जो प्रभारी है वो आतिशी है, और जिस वक्त 45 करोड़ रुपए गोवा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया हवाला के जरिए, जो पैसा साउथ से रिश्वत के तौर पर मिला था, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाना है, ये सब कुछ जानकारी ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल को थी, इसके अलावा आतिशी को भी रहनी चाहिए थी। तो इस तरीके की तमाम बातें जो है वो इस कॉपी के अंदर लिखी गई है, जो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का जो मिसकंडक्ट रहा है या फिर कहें जो उनके ऊपर आरोप रहे उसको कहीं ना कहीं मजबूती देते हैं। जी,
जितेंद्र, एक बात बताइए, यहाँ पर साफ तौर पर कोर्ट के भीतर ये दो नाम सामने आए हैं, सौरभ भारद्वाज और आतिशी का, जो अभी दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में अब जो लीड मिली है ईडी को, क्या अब आज यहाँ तक पहुँचेगी या पूछताछ आगे बढ़ेगी, समन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी ईडी की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले मैंने बताया कि ईडी के पास एक कागज मौजूद है, वो कागज है आतिशी के द्वारा साइन किया हुआ। आतिशी ने बकायदा बतौर गोवा चुनाव प्रभारी उस पर साइन किया हुआ है। ये साल 2022 का कागज है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपा गया था कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों के खिलाफ। तो और उसी दौरान बताया जा रहा है, जो आरोप है कि हवाले के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल के लिए भेजे गए थे आम आदमी पार्टी के द्वारा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कुछ वर्कर हैं, कुछ नेता हैं जो कि गोवा से जुड़े हुए हैं, जो इस इलेक्शन में जिनका अहम रोल था, उनकी स्टेटमेंट भी बाकायदा ईडी ने दर्ज की है। और इनमें से एक आरोपी का स्टेटमेंट दर्ज किया जिसे बतौर 2,20,340 रुपए उसके अकाउंट में भेजे गए थे। और ये जो पैसा भेजा गया था वो हवाले के जरिए पहले पहुंचा गोवा और उसके बाद इस शख्स के अकाउंट में पहुंचा। मनी ट्रेल को लेकर कुछ सबूत ईडी की तरफ से क्या पेश किए गए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जांच से जुड़े जो तथ्य सामने आ रहे हैं, ईडी जिन सबूतों को सामने रख रही है अदालत के समक्ष, उसमें कई बड़े बड़े आंकड़ों का भी जिक्र हुआ। कहा यह गया कि पूरा घोटाला 600 करोड़ का हो सकता है, 100 करोड़ के बारे में तो हमें पता चल गया है, मनी ट्रेल हमारे पास है। क्या उस 100 करोड़ की मनी ट्रेल से जुड़े सबूत भी अदालत के समक्ष रखे हैं ईडी ने? जी बिल्कुल समीर, देखिए अभी मैं वही बात कर रहा था, ये मनी ट्रेल से जुड़े सबूत ही हैं जो कि ईडी की तरफ से रखे गए हैं, जिसमें ईडी ने बकायदा ये जिक्र किया है कि चरणजीत सिंह, जो कि पूरा आम आदमी पार्टी का जो गोवा इलेक्शन के दौरान कैंपेन था वो उसको संभाल रहा था, 45 करोड़ रुपए बकायदा गोवा की एक फर्म है हवाला से जुड़ी हुई, जिसके जरिए पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं तक उस दौरान वहाँ पहुँचा। साथ ही इसके अलावा एक शख्स का स्टेटमेंट दर्ज किया गया है जो कि चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी का वर्कर था, उसने बात कबूल किया कि 2,20,340 रुपए उसको मिले थे और ये जो अच्छा। पूरा पैसा था ये हवाले के जरिए यहाँ पर पहुंचा था। इसके अलावा जो हवाला से जुड़ी जो फर्म है गोवा की, उसके स्टेटमेंट और उसका जो पूरा डिटेल था वो भी दर्ज किया गया। इसके अलावा साफ तौर पर ईडी ने बात कही है कि ना सिर्फ ईडी के पास मनी ट्रेल, बल्कि उस दौरान जो सीडीआर है आरोपियों की, वो भी ईडी के पास मौजूद है। इसके अलावा पैसे का जो पूरा मनी रूट था, किस तरीके से पैसा गया, वो भी ईडी के पास मौजूद है। तो ईडी का कहना था कि कहीं ना कहीं अब तक ये साफ हो चुका है कि ना सिर्फ मनी ट्रेल, ना सिर्फ प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी कि जो पैसे का इस्तेमाल किया गया गोवा चुनाव के अंदर रिश्वत के पैसे का, इसके अलावा इसके हवाले से जुड़े हुए जो शख्स थे, इसके अलावा जिन लोगों ने हवाला के जरिए आया पैसा उम्मीदवारों ने वहाँ इस्तेमाल किया, इन सब बातों का, इन सब आरोपियों का कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से लिंक है और ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल की जानकारी में हुआ है। और इस बीच देखिए पीयूष पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट से लगातार। पीयूष, यहाँ पर अब ये समझना जरूरी है कि अगला कदम क्या, अब क्या कुछ विकल्प बचते हैं, क्योंकि जिस पीएमएलए के तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उससे इतनी आसानी से निकल पाना संभव नहीं है, तो वैसे में अगला रुख क्या हो सकता है? देखिए अरविंद केजरीवाल की ओर से अब इस मामले में जमानत याचिका दाखिल की जाएगी, जिसमें से अंतरिम जमानत की मांग उनकी की जाएगी। अगली बार जो सुनवाई होगी उससे पहले ये याचिका उनकी ओर से दाखिल की जा सकती है, और अगर लोअर कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिलती है तब फिर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। इस मामले में आम तौर पर अभी तक ये देखा गया है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता थे उनको किसी भी कोर्ट से जमानत नहीं मिली, चूँकि पीएमएलए का मामला था और ईडी की ओर से जो साक्ष्य पेश किए गए उसके चलते उन्हें राहत नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में ये माना जा सकता है कि अब तक अरविंद केजरीवाल की ओर से जमानत ना दाखिल किया जाना ये स्पष्ट करता है कि वो अभी इस मामले में उचित समय देखकर ही जमानत की मांग करना चाहते हैं, और ये संभावना बनती है जबकि अब उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में यानी कि न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उनके वकील अब इस पर विचार कर रहे होंगे कि अंतरिम जमानत की मांग राउज एवेन्यू कोर्ट से की जाए। और अगली चूंकि केस वही है और उसमें हवाला की भी बात कही जा रही है, यही केस अपने आर्गुमेंट के साथ चूंकि पहले के नेता या मंत्री रखते रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का मामला या उनकी बेल एप्लीकेशन कुछ अलग हो सकती है या फिर ग्राउंड सारे वही होने वाले हैं? जी बिल्कुल रवि, देखिए अहम बात यह है कि जो पिछली बार सुनवाई हुई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने खुद कुछ दलीलें पेश की थी और
उसमें राजनीतिक बयानबाजी भी थी। हालांकि उनकी ओर से ये भी कहा गया कि जब बयान लिए गए गवाहों के तो उसमें 6 बयानों में से सिर्फ 4 में उनका नाम लिया गया, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस नहीं है, ये उनका कहने का निहितार्थ था। और इस स्थिति में वो ये मांग कर सकते हैं, अंतरिम जमानत में ये कह सकते हैं कि उनका अभी सिर्फ गवाहों की तरफ से नाम लिया गया है और स्पष्टता नहीं है किसी भी साक्ष्य को लेकर के, तो ऐसी स्थिति में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो सेक्शन 45 है उसमें ये कहा गया है कि जब तक स्पष्टता नहीं हो और जब आरोपी की ओर से ये साफ कहा जाए कि प्रथम दृष्टया वो आरोपी नहीं है इस मामले में और एजेंसी के पास अभी तक कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जमानत दी जानी चाहिए कोर्ट की ओर से। दो आधार, चूंकि 2018 में एक बदलाव किया गया था केंद्र सरकार की ओर से PMLA के सेक्शन 45 में, उसी के बाद से ये सख्ती आ गई और ये आरोपी को स्पष्ट करना पड़ता है कि प्रथम दृष्टया एजेंसी के पास कोई साक्ष्य स्पष्ट तौर पर नहीं है। बिल्कुल, फिलहाल तो राहत नहीं है अरविंद केजरीवाल को, 15 अप्रैल तक वो जेल में रहेंगे, तिहाड़ जेल में रहेंगे। लेकिन पीयूष, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये बता रहे थे कि PMLA एक्ट के तहत जो ये धारा 145 होती है उसके तहत कुछ शर्तों के आधार पर जमानत मिल सकती है। अब देखना होगा कि कोर्ट का निर्णय क्या होता है आगे।